दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप लोग अपना हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं। और ये वही हेल्थ आईडी कार्ड है जो कि वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत आता है। इसे मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है। अगर आपने 15 अगस्त के दिन की मोदी जी की स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने वहाँ पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के बारे में बताया था, इसके कुछ बेनिफिट, जैसे कि अगर आप ये हेल्थ आईडी कार्ड बना लेते हो तो आपको क्या बीमारी है और आपने क्या ट्रीटमेंट पास में लिया है, वो सारा रिकॉर्ड जो है यहाँ पर रखा जाएगा, ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी भी किसी भी अस्पताल में जाते हो तो उसी ट्रीटमेंट को देखते हुए आपका आगे वाला जो डॉक्टर होगा वो भी ट्रीटमेंट आपका कर पाएगा, जो कि आपके लिए काफी जो है बेनिफिट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आपने हेल्थ आईडी कार्ड बनाना है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। मैं हूं दामू, आप देख रहे हैं टेक्निकल थेरेपिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने अपने सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना होगा healthid.ndhm.gov.in और इस वेबसाइट का लिंक जो है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। अब आपने इस तरह से वेबसाइट डालने के बाद आपने सिंपली एंटर करना होगा। तो जैसे आप एंटर करते हैं, अब आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगा मोदी जी का, जो कि उन्होंने 15 अगस्त को भाषण दिया था वन नेशन वन हेल्थ कार्ड के बारे में। तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, मैं फिलहाल जो है वो कट कर रहा हूं। अब आपको यहां पे मिलता है क्रिएट इंडिया डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, तो आपने नीचे जो है स्क्रॉल करना है। अब आपको सामने ही देखने को मिल जाता है क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ, तो आपने इधर ही क्लिक करना है। अब आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, यहां पर मिल जाता है आपको जनरेट योर हेल्थ आईडी। तो यहां पर आपको नीचे दिखता है जनरेट बाय आधार, तो आप चाहें तो इसे आधार कार्ड से बना सकते हैं। तो यहां पर आप आधार से बनाना चाहते तो यहां पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आधार नहीं है या आप आधार से नहीं बनाना चाहते तो यहां पर दूसरा ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो आपने अगर यहां पर बिना आधार से बनाना चाहते तो क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा। अब आप यहां से अपने मोबाइल नंबर के थ्रू भी बना सकते हैं, जहां पर लिखा है जनरेट बाय मोबाइल, तो आप इधर क्लिक करेंगे। जैसे आप इधर क्लिक करते हैं, अब आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मैंने डाल दिया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस चेक पर क्लिक करेंगे आई एग्री, देन आपने सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, अब एक ओटीपी आएगा जो कि ऑलरेडी आ चुका है, देखिए यहाँ पर। अब आपने इसको इस बॉक्स के अंदर एंटर कर देना है इस तरह से, देन आपने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ से अपनी डिटेल देंगे और हेल्थ आईडी बनाएंगे। तो मैं आपको भरकर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ से अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, यहाँ से मिडिल नेम और लास्ट नेम, कुछ इस तरह से। देन आपने अपनी हेल्थ आईडी जो है खुद से बनानी होती है, तो आप अपना नाम डालेंगे कुछ इस तरह से, देखिए नाम डालें। अगर वो अवेलेबल होगा तो ब्लू में आएगा, नहीं तो वो रेड दिखाएगा। जैसे कि देखिए हमारा आगे है, ये रेड में दिखा रहा है, तो इस तरह से आता है। तो आप सब जोड़ सकते हैं कुछ इस तरह से, और ये ब्लू हो गया है, इसका मतलब ये अवेलेबल है। और ये @ndhm करके आ रहा है बिल्कुल जीमेल की तरह, तो ये आपकी आईडी बन रही है। देन आप पासवर्ड डालेंगे और कन्फर्म करेंगे उसको, कुछ इस तरह से आपने डाल लेना है। देन आप यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पूरी डालेंगे बिल्कुल करेक्ट, तो यहाँ से आप डाल लें। जैसे कि मैंने देखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है जिसका मैं बना रहा हूँ। देन आपने यहाँ से अपनी जो है स्टेट सेलेक्ट करनी होती है, तो यह आ गया स्टेट का ऑप्शन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी स्टेट अवेलेबल हैं वो दिखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर अभी कुछ जो है 8 से 9 स्टेट ही अवेलेबल हैं, दिन ब दिन यहाँ पर ऐड होती रहेंगी, लेकिन मैंने आपको डेमो देना था तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं एक स्टेट जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, जैसे चंडीगढ़ मैं चूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं चंडीगढ़ पर जो है क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपने अपना जो है डिस्ट्रिक्ट भी एंटर करना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट भी मैं चंडीगढ़ ले रहा हूं, आपका आपके स्टेट का कोडिंग आएगा। अब आपने यहां से अपना जो है जेंडर सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका जेंडर है, जैसे कि मैं मेल ले लेता हूं। और आप इस चीज को अगर डिस्क्लोज करना चाहते हैं सबके साथ तो ऐसे ही रहने दें, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को भी ले सकते हैं। देन आपने यहां पे सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपका देखिए जो है हेल्थ आईडी कार्ड जो है रेडी हो चुका है, और यहां पर हमारे पास मैसेज भी आ चुका है, कांग्रेचुलेशन इस्लाम अली खान, आपका हेल्थ आईडी बन चुका है। तो यहां पर ये आ गया, नीचे स्क्रॉल करें जहां पर लिखा है योर हेल्थ आईडी, तो यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी करके आ गया है, और इंडिया का ही हेल्थ आईडी कार्ड है। यहां पर नाम आ गया है, यहां पर हेल्थ आईडी आ गई है, नीचे आपको जो है उसके नीचे आपको मिल जाता है हेल्थ आईडी नंबर और ये डिटेल, आपके क्यूआर कोड वगैरह, यहां से आप उनको डिटेल में बड़ा बड़ा करके भी देख सकते हैं। अब यहां पर एक चीज है कि आपका यहां पर फोटो जो है अभी नहीं आया है, तो यहां से आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। नीचे आएंगे आप और नीचे आपको मिल जाता है एडिट प्रोफाइल, तो आप यहां से क्लिक करें, यहां पर क्लिक हेड अपलोड पर क्लिक करेंगे। चाहे तो आप कैमरा से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब फोटो ले सकते हैं, चाहे तो अपनी प्रोफाइल से, मतलब कि अंदर फाइल से ले सकते हैं। तो यहां से हम एक फोटो जो है वो ले लेते हैं।
तो आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग लेंगे जो भी पसंद हो आपको। यहाँ से मैंने देखिए फ़ोटो ले लिया है, नीचे यहाँ पर आपको इसको सेव और सबमिट करने का बटन मिल जाएगा, तो आपने इधर से सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपका फ़ोटो भी जो है वो ले लिया गया होगा। तो ये देखिए आपका जो है फ़ोटो भी आ चुका है इस तरह से, और आपका हेल्थ आईडी कार्ड जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड हेल्थ आईडी कार्ड पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो गया है। देन आप इसे ओपन करके देखना चाहते हैं तो ये आपका हो गया है हेल्थ आईडी कार्ड। आप चाहें तो इसका लेमिनेशन करा के इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसका लेमिनेशन करा लेंगे। तो इस तरह से आप अपना हेल्थ आईडी कार्ड जो है वो बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों और सभी रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी अपना हेल्थ आईडी कार्ड बना सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छ भारत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।